नाम बताइए। नाम तो हम बता देंगे, आप क्यों इतना थके हुए हैं? खाना मैंने नहीं खाया है, क्या हो गया? एक्टिंग कर करके थक गया हूँ मैं, और बेकार एक्टिंग कर करके तो और भी ज़्यादा। चार सीन है, चार सीन में कोई एक्टिंग नहीं होती है। ना हम जो इतना देते हैं ना परफॉर्मेंस करने में, उतना तुम नहीं देते हो। हाँ, क्योंकि हमारी तुम लोग तो मजाक ही कर रहे हो, हमें करना पड़ता है। हमें देने का चॉइस नहीं था ना, हमारी तो यू आर टेकिंग। आई टेक माय जॉब वेरी सीरियसली। तुम लोग के लिए सब फास्ट फूड है। अच्छा, क्या फास्ट फूड है? अरे हम कमिटेड लोग हैं यार। बर्गर किंग कौन खा रहा था अभी? मैं नहीं खा रहा था। आप ही खा रहे थे उधर? कत्ता ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हो गया हूँ। ओह, मैक वेजी। एनीवे, दिस इज अली फजल, दिस इज तिग्मांशु धुलिया, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन सिनेस्पीक्स। मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है। वो लग गया सर, हैंडल ऑन सिनेस्पीक्स। तो काफी सच में टायर्ड हो गए हैं, हम बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर लिया, क्यों नहीं कर सकते? तो शूटिंग कहाँ कहाँ हुई पहले वो बताइए, क्योंकि मैं खुद बनारस से हूँ, वेरी एक्साइटेड टू नो कि कहाँ कहाँ शूटिंग हुई, और थोड़ा बनारसी अंदाज में या थोड़ा यूपी के अंदाज में कुछ बताइए। नासा में हुई है थोड़ी, क्योंकि वो वेल दैट्स अनदर प्लैनेट का, मार्स वार्स का थोड़ा सीक्वेंस है, बट वो एंड में है। एंटार्क्टिका जब गए थे उसके बाद गए थे ना वो तो? हाँ नहीं, बट उसका साइबेरिया में किया था ना, क्योंकि वहाँ परमिशन मिल गई थी। तो एनीवे, हमारे लोग हर जगह मौजूद हैं। इसमें एक स्नो लेपर्ड भी है, बहुत अच्छा काम किया है फिल्म में। लेपर्ड आई लाइक, चीता पीटा विल हैव अ प्रॉब्लम, नॉट चीता। लखनऊ में की है, मथुरा में की है, बेसिकली यही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, या तो लखनऊ, मथुरा, थोड़ा बहुत इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद का फ्लेवर था, लेकिन इलाहाबाद में शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि सर नहीं कर सकते, लोग जमा हो जाते हैं इनको। हाँ, इनके साथ नहीं हो सकती शूट वहाँ पे। क्रेजी वाली फैन फॉलोइंग है आपकी इधर, तो कोई ऐसा हादसा घटा है कि आपने डिसाइड किया कि फिर? हादसा घटा लगता नहीं, ऐसे हाथ कट गया किसी का। हाँ, कि इलाहाबाद भी नहीं करनी है शूटिंग। क्रेजी फैंस के साथ कुछ आपका एनकाउंटर कुछ हुआ? नहीं नहीं, क्या है कि जब मैंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म बनाई थी हासिल, तो मैंने वो इलाहाबाद में ही शूटिंग की थी उसकी, और वहाँ मेरे ही शहर के लोगों ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया था। तो फिर मैंने कहा कि इतने स्वागत की आदत ना पड़ जाए, इसलिए बस पहली और आखिरी फिल्म थी। तो आपके बेटे बड़े जोश में डायरेक्टर बनने निकले हैं फिल्म में, तो आपने कुछ मदद करी इनकी? नहीं नहीं, मैं तो मुझे मालूम तो कभी बन ही नहीं सकता डायरेक्टर। पूरी पिक्चर बनाई है मैंने, और इस पिक्चर के काफ़ी शॉर्ट्स भी मैंने लिए हैं, लेना पड़ा क्योंकि थोड़ा हिल डुल रही थी, आई हैड टू सॉर्ट ऑफ सेव द डे, कम इन यू नो, कैमरा वैमरा हैंडल करना पड़ा। अब वो आप फिल्में देखेंगे। नकल तो बड़े एक्सपर्ट वो कि आप करवा रहे थे, तो आपने कुछ रियल लाइफ में भी ऐसी नकल वकल कैमरा वैमरा लगा के कुछ सेटिंग करके की है कभी? कैमरा की नहीं, उस वक्त कैमरा नहीं, मतलब इतने पैसे नहीं थे जेब में। चिट होती थी ना? हाँ, चिट्स लिखी है मैंने पूरी बॉडी में, ऐसे टैटू कर चुका हूँ मैं एक दफ़ा। हाँ, जो जो बॉडी पार्ट्स नहीं दिखते हैं इनविजिलेटर को, तो हाँ अरे पूरा मैं तो उल्टा लिख, अच्छा मैं, मेरी क्योंकि फिजिक्स बहुत अच्छी थी और मैथ्स गणित, तो मैं ना डिराइव कर लेता था, तो एक फॉर्मूला पर लिख के जाता था उससे मैं सब। उसका डाउनसाइड ये था कि मैं पेपर कभी नहीं ख़त्म कर पाता था, पेपर पे सिर्फ डेरिवेशन लिखे रहते थे। फाइनली जब मिल जाता था फॉर्मूला, तब तक टाइम ओवर, तो अब आप अप्लाई करो, उसमें लगाओ, टाइम ख़त्म। तो चीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा, लड़कियों को बहुत कराई है मैंने उससे। तो श्रद्धा के साथ काम करके, क्योंकि उनकी डेब्यू फिल्म है, तो वो कैसी रही है एक्ट्रेस, और कितना सपोर्ट किया उन्होंने आपको? चीटर है वो भी है, अच्छी है। पता नहीं सवाल आप मुझसे कहीं जवाब ये क्यों दे रहे हैं, तो भी श्रद्धा के बारे में दीजिए। Why did you pick Shraddha Srinath for this role? मेरे एक दोस्त है श्रीधर राघवन, राइटर हैं, उन्होंने श्रद्धा का नाम सजेस्ट किया था। तो विक्रम वेदा एक फिल्म है उन्होंने की थी, तो वो देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर उनसे बात की फ़ोन पे। तो मैं क्यों तुम्हें साउथ की है, शायद हिंदी अच्छी ना हो, डब कराना पड़े, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी थी, क्योंकि फादर उनके फौज में रहे हैं, तो पूरे नॉर्थ में वो स्टेशन रहे हैं, तो श्रद्धा नॉर्थ में रही, तो हिंदी बहुत अच्छा, ज़्यादा नॉर्थ वालों से बेटर हिंदी है उसकी, इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, और बहुत पढ़ी लिखी है, लॉ किया हुआ है, समझदार है, चीज़ों को समझती है, ऐसे ही खामखार टाइप की लड़की नहीं है, और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। तो टोटलिटी में श्रद्धा का आना फिल्म में होना मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। मिलन टॉकीज नाम से लगता है जैसे कुछ 70s या 80s के, जैसे कभी पिक्चर वाले ऐसे नाम के हुआ करते थे, तो कुछ ऐसा रिलेशन? वही है वैसे ही रिलेशन, बिल्कुल। तो क्या है प्रॉपर जॉनर? रोमांस, एक्शन? हाँ, रोमांस ड्रामा। कंफ्यूज्ड
मतलब बहुत पब्लिक जो है ना, मतलब आप कैसे, जैसे गवर्नमेंट का क्या जॉनर होता है, मतलब कुछ सब कवर करता है ये ना, हाँ सब, हाँ सब, लाइफ क्या होती है, लाइफ का जॉनर क्या होता है वो है उसमें, मतलब हल्का सा एक्शन भी है, इश्क मोहब्बत, यू नो, खतो खिताब, सिनेमा और सिंगल स्क्रीन थिएटर, जिसको मतलब जनरेशन एंड जनरेशन ऑफ आर यू नो फैमिलीज एंड पीपल वी नो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड विल कनेक्ट, वो एक आई थिंक USP है इस फिल्म की. और एक क्वर्किनेस भी है उसमें, मैं लॉन्डे सस्ती फिल्में बनाते हैं तो और ख़ुद ही एक्ट करते हैं उसमें क्योंकि बजट्स नहीं है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक यू नो एक लव स्टोरी आती है. पूरी कहानी बक दूंगा मैं यार वहाँ. तो दिग्विजय सर, ये ऐसे ही है सेट पर या फिर ये अभी ऐसे हैं या फिर ये कैसे हैं? कैसे हैं ये? ऐसे ही हैं. ऐसे कैसे? ऐसे हैं और नहीं वैसे. वैसे भी हैं, जैसे हैं वैसे हैं. अच्छे हैं. अच्छे हैं. और दिग्विजय सर कितने स्ट्रिक्ट है एज अ डायरेक्टर और फादर, तो हम फिल्म में देख ही लेने वाले हैं, डायरेक्शन में कितने स्ट्रिक्ट है? एज फादर तो झापड़ मारे, एज डायरेक्टर बहुत बहुत प्यार दिया है, तो वो थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट था. अब मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ तो अब ये चौड़ में आ जाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम चलता है, इट्स अ कैच 22 यू सी. बट फ्रॉम एन एक्टर टू एक्टर एंड टू बी डायरेक्टर टू यू नो डायरेक्टर, मैं मतलब आई थिंक आई लर्न अ लॉट. मज़ा आया एक्चुअली, दैट्स द वर्ड. अब यू नो आई डोंट नो वॉट इज़ द फेट. फ्राइडे को होता है ना हमारे यहाँ, तो 2 घंटे लगते हैं सबको ओपिनियन बनाने में कि बाहर निकले हाँ ऐमी थी ऐसी थी, मज़ा आ गया या नहीं आया. बट ये पूरा प्रोसेस ना, ये मैं नहीं भूलूँगा. मतलब बहुत फिल्में करते हैं हम लोग, लेकिन ये मेरे लिए मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा वो था, स्टेपिंग स्टोन. आप दोनों के पास फिल्मों का एक्सपीरियंस है, बट हर फ्राइडे को वही नर्वसनेस या वो एक्साइटमेंट होता है कि क्या होने वाला है, ऐसा कोई डर मन में होता है जब फिल्म रिलीज होती है? बहुत. व्हाट स्केयर्स यू? अरे लगता है 10th क्लास का रिजल्ट निकलने वाला है, जो फीलिंग तब थी वही होती है आज भी. अच्छा, तो अभी एज ए डायरेक्टर अभी और कोई जॉनर है जो आप करना चाहेंगे या फिर, क्योंकि आपने तो एक से एक मास्टर फिल्म्स बनाई है, क्लास फिल्म्स बनाई है, तो और कोई ऐसा जॉनर जो आप देख रहे हैं, क्योंकि कंटेंट चेंज हो रहा है, लोगों के व्यूज चेंज हो रहे हैं फिल्म देखने पे? अब पता ऐसा तो नहीं सोचा कि अब ये जॉनर करूँगा. हाँ, अलग अलग कहानियाँ हैं, जो कई कहानियाँ जो मैं कहना चाहता हूँ. अब एक्शन तो बहुत कर लिया एक्शन भी है, तो हाँ किया है. जब तक दिमाग चलता रहेगा और सोसाइटी में उथल पुथल चलती रहेगी, कहानियाँ भी निकलती रहेंगी. और म्यूजिक कैसे, किस तरह का म्यूजिक है इस फिल्म में? म्यूज़िक बहुत मज़ेदार है, बहुत ही बढ़िया है म्यूज़िक. राणा मजुमदार ने किए हैं और एक गाना आकृति कक्कड़ ने किया है और अमिताभ भट्टाचार्य ने लिरिक्स लिखे हैं इसके. ऑलरेडी 2 गाने आ चुके हैं और अच्छा बज है. बकैती एक गाना है वो पकड़ लिया है. होली का गाना है जो अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ, उसने भी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका. तो चलते चलते व्यूअर्स को बताइए, डेट बताइए, क्यों देखने जाएँ वो बताइए, और क्या मैसेज मिलेगा वो भी बताइए. मैसेज वैसेज नहीं ऐसा कोई कि मतलब एंड में कोट आएगा, बट इट्स अ इट ब्रिंग्स अ स्माइल टू यू. द सीन्स ना इन द फिल्म, जो हमारी फिल्म में बहुत ऐसे किरदार हैं, बहुत कैरेक्टर्स हैं जो आपके दिलों में बस जाएंगे. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि फिल्म में हैं हम लोग और इसलिए प्रमोट करने के लिए ये लाइन चलती है. ये फिल्म इट ब्रिंग्स वो दोस्त एंड एवरीबडी ना, सबका अलग अलग सीन होगा, सब अपने अपने सीन से जुड़ेंगे, जो भी सीन्स हों या पूरी फिल्म से जुड़ेंगे. उसमें ये खास बात मुझे लगती है. 15 मार्च को आ रही है फिल्म, ज़रूर देखिएगा. इस फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी है और ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि ज़िंदगी में जिसने भी ये फिल्म देखी है, ज़िंदगी में बाद में कभी भी कोई ऐसा अकेला वक्त आए जब आप अकेले हैं और अपने फ़ोन के साथ इश्क नहीं फरमा रहे हैं, और अगर आपने मिलन टॉकीज़ देखी है तो मिलन टॉकीज़ को याद करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आ जाएगी. चलिए, हमारी तरफ से भी आप लोगों को ढेर सारी विशेस. थैंक यू सो मच. ब्लॉकबस्टर हो, हिट हो, सुपर हिट हो, धमाका करे. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.